लोअर चेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए पैरेलल बार डिप्स को सही तरीके से कैसे करना चाहिए वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोअर चेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो पहला मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो है भाई बेंच प्रेस। चाहे आप उसे डंबल यूज करके कर रहे हो या फिर बारबेल के साथ कर रहे हो या फिर आप स्मिथ मशीन यूज कर रहे हो, और उसे करने का सही तरीका क्या है वो डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर लोअर चेस्ट, जो कि है भाई आपका पैरेलल बार डिप्स। लेकिन पैरेलल बार डिप्स को हम दो मसल ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं, पहला है चेस्ट और दूसरा है ट्राइसेप। ट्राइसेप की बात आज हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में वीडियो चल रहा है। तो आज हम मैं आपको बताऊंगा कि भाई पैरेलल बार डिप्स को सही तरीके से आप कैसे लगाएंगे ताकि आपका जो चेस्ट मसल है ना, स्पेशली लोअर चेस्ट मसल है, वो पूरी तरह से डेवलप हो पाए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बॉडी पोजीशन। ज़्यादातर लोग पैरेलल बार डिप्स लगाने के टाइम उनका जो बॉडी पोजीशन है ना वो ही गलत रखते हैं, जिसके वजह से उनके चेस्ट के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है, उल्टा उनके शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। आपको आपका लेग कभी भी पीछे की तरफ नहीं रखना है, पीछे ओनली आपका हिप्स रहेगा। आपका घुटनों से लेकर पैर तक का हिस्सा आगे की तरफ रखना है और अपर बॉडी को आपको नीचे झुका के रखना है। इसको कभी भी सीधा नहीं करना है पूरे रिपीटेशन खत्म होने तक। स्लोली आपको नीचे जाना है जब तक आपके शोल्डर एंड एल्बो 90 डिग्री एंगल तक ना पहुंच जाए, और ऊपर आपको ओनली 70-75% ही उठना है। आपको कोहनी यानी कि एल्बो को एकदम से सीधा नहीं करना है, ठीक है। एक बिगिनर के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म के साथ एक या दो रिपीटेशन मारना भी आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है कि अरे तू सिर्फ एक मार रहा है, मैं तो 10 मार रहा हूँ, ऐसी बातों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो बंदे होते हैं ना ये खुद गलत तरीके से मारते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर कमेंट पास जरूर करते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए, इनकी बात बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि आपके लिए रिपीटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चेस्ट मसल को डेवलप करने के लिए प्रॉपर फॉर्म रहना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है रिपीटेशन। तो अगर आप सही फॉर्म के साथ सिर्फ एक ही रिपीटेशन लगा पाते हैं ना तो वही आपके लिए बेस्ट है, आप वही कीजिए। स्लोली स्लोली, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपका जो रिपीटेशन है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ दूसरे चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि खाली लोअर चेस्ट ट्रेन करने से चेस्ट मसल डेवलप नहीं होगा और चेस्ट फैट कम नहीं होगा, आपको अपर चेस्ट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। अभी तक अगर आपने हमारे इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।